नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, आपके साथ मैं हूं संदीप। चलिए शुरू करें खबरों का सिलसिला। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री यानी नोएडा के आरुषि हत्याकांड में जिस वकील ने तलवार दंपत्ति को रिहा करवाया, वही वकील अब गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी 11वीं क्लास के स्टूडेंट की पैरवी करते नजर आ सकते हैं। खबर है कि मशहूर वकील तनवीर अहमद मीर अदालत में आरोपी छात्र का बचाव करते नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील तनवीर अहमद मीर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो आरोपी छात्र का केस लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी छात्र के पिता से शुरुआती बातचीत उनकी हो चुकी है। आपको बता दें कि आरोपी छात्र के पिता भी वकील हैं और उन्होंने अपने किसी दोस्त के जरिए तनवीर से ये केस लड़ने की गुजारिश की थी। सीबीआई दावा कर रही है कि आरोपी छात्र ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन आरोपी के पिता का कहना है कि उनके बेटे को इस केस में फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस केस में कोर्ट में होने वाली जिरह काफी दिलचस्प होगी। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कहना है कि देश में इन दिनों कुछ फिल्मों और आर्ट वर्क्स के विरोध में समस्या पैदा हुई है। धार्मिक भावनाओं के आहत होने के नाम पर विरोध किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस दौरान सीमा पार कर जाते हैं और इनामों का ऐलान करने लगते हैं। टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल में वेंकैया नायडू ने शनिवार को सीधे पद्मावती मूवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में कानून के शासन को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोध के दौरान आगे बढ़कर इनाम तक घोषित कर देते हैं, लेकिन मुझे शक है कि इन लोगों के पास इनाम घोषित करने के लिए पर्याप्त राशि होती भी है या नहीं। हर कोई 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने में लगा है, क्या पास में 1 करोड़ रुपए होना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा हक है, लेकिन आप किसी को शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते या हिंसक धमकियां नहीं दे सकते। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद जारी है, जहां कई संगठन फिल्म का ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड भंसाली के सपोर्ट में उतर आया है। करणी सेना के विरोध के बीच अब इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने अन्य निकायों के साथ मिलकर भंसाली की फिल्म के लिए अपना समर्थन जारी किया है। संगठन ने इसके लिए 15 मिनट के ब्लैकआउट की योजना बनाई है। इसका आयोजन मैं आजाद हूं नाम से 26 नवंबर को फिल्म सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोपहर 3:30 बजे से होगा। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के नाबाद शतकों और कैप्टन विराट कोहली की हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत ने नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। शनिवार को भारत का दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन का स्कोर था। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिएगा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।